मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने अपनी पॉलिसी तय की हुई है। राष्ट्रीय स्तर के साथ प्रदेश स्तर पर बीजेपी को कैसे टारगेट करना है, कभी आदिवासियों के सहारे तो कभी सड़क के बहाने प्रदेश सरकार को निशाना साधा जा रहा है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएम शिवराज के एक पुराने बयान को लेकर सड़क को मुद्दा बना प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव तेज हो गया है और ये टकराव बेवजह नहीं है। सूबे में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाना बना रही है। सड़क पर उतरे कांग्रेसी नेताओं को मध्य प्रदेश की सड़कों में खामियां नजर आने लगी है। दिग्विजय सिंह जी चार बार गए, अस्सी दिनों में चौथा बार ये याद की गई, हालांकि पहली बार मध्य प्रदेश में गया और मध्य प्रदेश के सड़कों के कारण भी है, न केवल सीआरपीएफ। आज मैं गिरने वाला था तीन बार, मैं एक बार और कहता हूँ, ऐसे सड़क बुरहानपुर में, खंडवा में, खरगोन में ये सड़क नहीं है, ये गड्ढे ही गड्ढे हैं और बीच में थोड़ा सा बिटिया है। दरअसल यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के यात्रा के दौरान गिरने की तस्वीरें आई थी। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की सड़कों को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शिवराज सरकार के उस दावे पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी को घेर लिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की सड़कों की तुलना वॉशिंगटन की सड़कों से की थी। और हम ये सातवां राज्य, हम सभी राज्यों में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, इसमें कोई कांग्रेस राज्य नहीं है, सब नॉन कांग्रेस सरकारें हैं। पर जो सड़क मैंने मध्य प्रदेश में पिछले चार दिन में देखी, मैंने और किसी राज्य में नहीं। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ साल पहले एमपी की सड़कों की तुलना वॉशिंगटन से की थी। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह सड़कों पर गिरे तो कांग्रेस को प्रदेश सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चार बार गिर चुके हैं, दो बार मध्य प्रदेश में तो दो बार अन्य प्रदेशों में, तो क्या कांग्रेस नेता जयराम रमेश मध्य प्रदेश के साथ उन प्रदेशों की सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं जहाँ जहाँ दिग्विजय सिंह यात्रा के दौरान गिरे। टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में पांचवा दिन है। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासत भी तेज हो गई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में देश विरोधी नारे लगाए जाने के खिलाफ बीजेपी ने क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज कराई है और कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका मूल उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। कारण स्पष्ट है कि उस यात्रा में 25 तारीख को राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, जिसका वीडियो सार्वजनिक तौर पर वायरल है। तो आज हमने इस आवेदन में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी, 504, 505 एक, 505 दो और 120 बी जो षड्यंत्र की धारा है, इसके तहत श्रीमान राहुल गांधी जी पर, श्रीमान कमलनाथ जी पर, श्रीमती प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा पर प्रकरण पंजीबद्ध हो। ये देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की घटना राहुल गांधी जी की यात्रा में मध्य प्रदेश की धरती पे हुई है और जिस तरह से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं कि इस वीडियो की सत्यता सबके सामने आए। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट किया, उनके अधिकृत लोगों ने आप सब पत्रकार साथियों को वो वीडियो भेजा था और बाद में झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको डॉक्टर्ड किया है।